प्रधान साहब, ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, महंगाई है, परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी डे टू डे हो रही है, जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा नहीं जाता और जो दहशतगर्द नहीं उनको दहशतगर्द गर्दाना जाता है, तो हुकूमत की जो अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें जो बातें करने वाली थी वो की नहीं गई, जो ना करने वाली थी वो की गई हैं। हालांकि दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। अपने अपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने यही कहा कि हमारा नंबर वन जो मामला है वो दहशतगर्दी है। लेकिन होता यही है कि जिस जगह धमाका होता है लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उसके फौरी दिन बाद ये पाँच चार लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर फातिहा ये वो करने के बाद उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप ये बताएं ये मामला कब हल होगा? देखिए, ये हुक्मरानों की तरफ से जब भी कोई माशी फैसले किए जाते हैं तो उसका सारा जोर उन इस्लाहात का वो गरीब आवाम के ऊपर डाला जाता है। उनके टैक्स बिल वास्ता टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, प्रायरास टैक्सों को छेड़ा नहीं जाता। इस तरह से मुल्क में एक मराहत याफ्ता तबका है कि जो हर तरह की मराहत ले रहा है लेकिन टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात। यही पीपीएस का मामला है कि जिन्होंने जिन अरबों रुपए इस कौम के लूटे हैं लेकिन टैक्स के बारे में उन्होंने मुआहदे के अंदर ये बात तहरीर करवा ली और हमारे मफाद परस्त हुक्मरानों ने ये तहरीर कर दिया और उस पर अमल दरामद किया कि उनसे कोई टैक्स नहीं लिया, पैसे उनको दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, आईएमएफ से खुद भीख मांग रहे हैं लेकिन नए इस तरफ नहीं आ रहे। अब आईएमएफ की तरफ से जितनी भी इनको शराइत मिली है, ये जिनके साथ इन्होंने उनसे इमदाद ली है, तो उसमें उन पर तो अमल दरामद हो गया कि जिनसे महंगाई बढ़नी है, जिससे बिजली की कीमतों में इजाफा होना है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है, लेकिन ने उस साइड को टच नहीं किया कि जिस पे टैक्स लगना है। जरी टैक्स हम इसके अमूमी नफाज के हामी है लेकिन इस एहतियात के साथ के जो गरीब तबका है, काश्तकार तबका है, उस पर कतन कोई बोझ ना डाला जाए। पहले ही हमारी मईशत तबाह कर दी है, गंदम की फसल इस दफा जो है वो टैक्स तो पंजाब में जरी टैक्स लगा दिया उन्होंने। आईएमएफ ने 5% से शुरू करके तो 45% तक लाने का इनको हदफ दिया। बिल्कुल। अब उसका हदफ तो होना चाहिए सिर्फ वो जागीरदार तबका जो असेंबलियों में बैठा है, जिनके पास हर एक के पास 20-20, 30-30 गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके आलीशान महल्लात हैं, जिनके अखराजात बेपनाह हैं और वो सारी अपनी आमदन जो है वो ज़रात के खाते में डालकर टैक्स जो है वो जीरो टैक्स देते हैं और वो हर चीज को उसी रास्ते से अपने लिए आप वाइट कर लेते हैं अपने कैपिटल को। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कुछ है ये बिलवास्ता और बराह रास्त टैक्सों का ये फर्क है, ये जब तक ठीक नहीं होता। बराह रास्त टैक्स ज्यादा लगाए जाए, बिलवास्ता कम किए जाए और बिलवास्ता का निशाना क्योंकि आम आदमी बनता है तो इसलिए आम आदमी पर बोझ न डाला जाए। इसी तरह तनख्वाहदार तबका, तनख्वाहदार तबका सबसे मजलूम है इसलिए कि वहां से तो हुकूमत ने खुद ब खुद पैसे काट लेने हैं तो उनके ऊपर इन्होंने मजीद बोझ डाल दिया और उसमें ये कोशिश की कि वो हलाल रास्ते से जो खाना खाते हैं वो बंद कर दिया जाए। हराम रास्ते तो बहरहाल खुले हुए हैं और उस पर कोई कतर नहीं है, फर्क नीचे से लेके ऊपर तक बना हुआ है। तो जमात इस्लामी जिस बात को लेके उठी है वो बात यही है कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, करप्शन का खात्मा हो, बदनवानियों का खात्मा हो, जो बड़े पैमाने पर लूट मार है ये खत्म हो, 90,000 गाड़ियां वफाक के पास मौजूद है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 17-18 ग्रेड के अफसरों को भी 2-2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी दी गई है, ऐसी गाड़ियां जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलती हैं
और उनका पेट्रोल कौन दे रही है, और इम्पोर्टेड ये पेट्रोल है, यानी पैसे हम डॉलरों में दे के पेट्रोल लेकर मुफ्त दे रहे हैं। इसी तरह से वो गाड़ियां, उनके ड्राइवर, उनका सारा खर्च अरबों रुपए में चला जाता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त सहूलतें लेने वाला एक पूरा बरात याफ्ता तबका है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान में रहकर और जिनको रखा गया, उनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान है कि जिनको डॉलरों के अंदर यहाँ पर तनख्वाह दी जा रही है, उनका कोई इस्तेहकाक नहीं, कोई उनका काम नहीं, कोई उनका वोट नहीं है कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनको डॉलरों के अंदर रह दी जाती है। आखिर ये सारी चीजें किसी हुक्मरान ने या वजीर आजम ने अपनी जेब से तो नहीं देनी, इसका बोल तो भारत का हर सूरत कौम पर पड़ना है। तो जमात इस्लामी इस बात को लेकर उठी है। हम पहले एक 14 दिनों का धरना हमने दिया था इस्लामाबाद में, कराची में दिए थे, और तो हम इस मामले को कभी छोड़ेंगे नहीं कि अवाम को बेयारों मददगार छोड़ दिया जाए। दूसरी पार्टियों के अपने इश्यूज हैं, उनको कोई लीडर रिहा करवाना है या उनको केसेस अपने खत्म करवाने हैं, या जो बरसरे इक्तदार तबका है उनको नैब से को महदूद करना है और ऐसी कानून साजी करनी है कि उनके बच्चे और उनके घर वाले सारे लूटमार करते रहे, कोई उनको पूछने वाला ना हो। एक तो यहाँ मेरा एक बड़ा ही मोहतबाना क्वेश्चन है कि जितनी भी आप तहरीके चलाते हैं, जितने धरने देते हैं, जितने इतिहाज, उनमें से कामयाबी किसी को नहीं मिलती। अभी जो 17 दिन का धरना था उससे कौम को क्या मिला? लेकिन ये तो एक मुसलसल अमल है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ आवाज बुलंद करना ये भी बहुत बड़ी बात है कि जी कोई तो आवाज, गरीब आदमी की भी आवाज कोई बनता है। फिर ये कि इसके नतीजे में 5 IPP बंद हुए, उनका आखिर फायदा जो है वो आवाम को होना है। फिर इसी तरह हुक्मरानों की तरफ से बार बार ये ऐलान हो रहा है और ये उसी दबाव के तहत ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली सस्ती करेंगे और इंशाल्लाह इन्हें करनी पड़ेगी। हम भी तैयार हैं, हमें ये नहीं है कि इस मामले को हमने 14 दिन के धरने पे छोड़ दिया है। हम इसको मजीद, हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, हम पहिया जाम की अपील भी कर सकते हैं, और हम ये सारे ऑप्शन इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैं जैसे मैंने कहा, हम लोगों को बेयारों बदलगार और बेदस्तोपा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी के लिए जो आवाज हाफिज नईम रहमान साहब ने बुलंद की है वो इंशाल्लाह बुलंद रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना आपको, अब जिस तरह USA है उसके सारे जो शिकार होते हैं वो मुसलमान ममालिक होते हैं, कभी वो एक को पकड़ लेता है, कभी एक को, कभी एक को, कभी, और जितने मुस्लिम ममालिक उनके खिलाफ यकजा नहीं होते। इसी तरह पाकिस्तान में हुक्मरानों के खिलाफ तमाम सियासी जमातें जो कि अपोजिशन भी होती हैं वो अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके उनके खिलाफ यलगार नहीं करती, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को वो समरात नसीब नहीं होते धरनों के, जलसों के, जुलूसों के जो होने चाहिए। लेकिन ये तो जिम्मेदारी हर एक की बनती है, दीगर जमातों की भी जो अपोजिशन की है, कि आपस में एक मुश्तरका नुकात पे तो कम से कम इकट्ठे हों कि हमने किन चीजों को मुतालबात को करना है। फिर बेशक अपने अपने दायरे में ही जद्दोजहद करते रहे, लेकिन अहदाफ तो कम से कम मुकर्रर हों।